तो ज़रूर यहाँ पे देखिए, सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज जो हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, एक बेहतरीन टायर बनाने वाली, टायर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 22 मई 2019 है आज और 3:20 हो चुके हैं। 775 रुपये के भाव पे BSE पे ट्रेड कर रहा है और देखिए यहाँ पे साल का जो लो था 744 तो उसके आसपास ही, और हाई बनाया था इसने 1453 का। यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं 2 सालों को, देखिए यहाँ पे हर साल डिविडेंड तो पे ही करती है, साथ साथ में इसने 2017 में 21 दिसंबर 2017 को बोनस भी दिया था, एक पे एक, यानी जिसके पास 100 शेयर हैं 200 हो गए, जिसके पास एक था उसके 2 शेयर्स हो गए, डबल हो गए। और स्टैंड अलोन पे हम चलते हैं, मार्केट कैप 15,075 करोड़ का है, अर्निंग पर शेयर 40 रुपये 45 पैसे हैं और PE 19.28 की, जो कि इंडस्ट्री PE 18.09 की। डिलीवरी कितनी ज़बरदस्त है, 57.11 की है और फेस वैल्यू 2 की अभी है और प्राइस टू बुक है 3.22 की। इनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं लेकिन हम पहले इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या कर। देखिए, हेडक्वार्टर इन मुंबई इंडिया, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द ऑफ हाईवे टायर मार्केट। सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1987, BKT हैज सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन स्पेशलिस्ट सेगमेंट सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल्स, एज वेल एज अर्थ मूविंग, पोर्ट एंड माइनिंग, ATV एंड गार्डनिंग एप्लीकेशंस। एज अ रिजल्ट, BKT हैज डेवलप्ड इनटू अ ग्लोबल प्लेयर इन द ऑफ हाईवे टायर इंडस्ट्री विद अ 6% मार्केट शेयर एंड अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ $850 मिलियन, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ 30% इंक्रीज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। चलिए स्किप करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो वी सेल अवर प्रोडक्ट्स 130 देशों में, 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो इनके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके थ्रू वो कम से कम 130 देशों में अपने टायर्स बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और 5 स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन साइट्स इन औरंगाबाद, जहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, औरंगाबाद, भिवंडी, चौपंकी, डोंबिवली एंड भुज। एम्प्लॉय हैं 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं इनके। और अगर हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स में नज़र मार लेते हैं कि हैवी ड्यूटी की जो क्रेन्स वगैरह होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर ये हैं, और इंडस्ट्रियल में ये जो हैवी ड्यूटी क्रेन्स होती हैं उनके टायर बनते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त बड़े बड़े टायर्स। दूसरे हम यहाँ पे आ चुके हैं, बैकहो लोडर, कॉम्पैक्ट डंपर, कॉम्पैक्ट लोडर, कॉम्पैक्टर, कंटेनर हैंडलर, तो इन सब के लिए टायर मैन्युफैक्चर करती है। तो प्रोडक्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए ट्रैक्टर्स, ये सारे बड़े बड़े हैवी ड्यूटी के टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब आप समझ गए होंगे, हाँ। तो ज़बरदस्त वर्ल्ड वाइड इनका, इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, बिकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आइए हम चलते हैं सीधे, हाँ, गुड क्वालिटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ है 7.96% की, EBIT ग्रोथ है 5.89% की और ROC है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17.52% की, ROE है इसका 19.76% के आसपास। और फाइनेंशियल देख लेते हैं, हाँ, दिसंबर 18 और मार्च 19 के जो Q4 के रिजल्ट आए हैं, देखिए बेहतरीन लग रहे हैं। जहाँ दिसंबर 18 में 1205 करोड़ की नेट सेल्स थी, वहीं मार्च 19 में हो गई 1351 करोड़ की, जो कि 12.06% के आसपास अपसाइड है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 144 करोड़ की जो दिसंबर 18 में थी, वहीं 184 की हो गई, बढ़ के 27% के आसपास अपसाइड है। और मार्जिन में भी यहाँ जहाँ 1.41% की अपसाइड है। और हम ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं, मार्च 18 से मार्च 19 में नेट सेल्स में 9.68% की अपसाइड है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ 4.59% की डाउनसाइड है और मार्जिन में भी यहाँ 0.31 की डाउनसाइड है। तो यहाँ पे एनुअल जो रिटर्न्स हैं उसमें थोड़ा सा इनको झटका है, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग में इनके पास 58.3% के आसपास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं, म्यूचुअल फंड्स की 47 स्कीम है और 142 FIIs इसमें हैं बने हुए हैं। इंडिविजुअल, हम जैसे आप खुदरा ग्राहक हैं, 8.89% के आसपास हैं। रिटर्न्स देख लेते हैं दोस्तों, रिटर्न में जहां 10 सालों में इसने 2756% की दी, यानी कि 1,00,000 रुपये अगर आपने इस कंपनी में लगाए थे तो आपके
28,56,000 हो गए हैं 10 साल पहले। तो एक लंबे पीरियड में, एक लंबे समय के लिए अगर हम किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। 5 सालों में देखिए 172% का रिटर्न है, 4 सालों में 112, तीन सालों में 131, और 2 सालों में 5.37% की यहाँ कम है, लेकिन 1 साल से यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं है। आज को छोड़ के डे वन में 1.33% की अपसाइड है, लेकिन 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न है इसके, 5 सालों में भी ओके ओके हैं। तो इस प्रकार एक अच्छी कंपनी के अगर आप स्टॉक्स लेते हैं, और टायर के सेक्टर में अगर आपको जाना चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करूँगा MRF। देखिए बहुत महंगा प्राइस का हो गया है, और मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत रिटेल तो बहुत ही कम खरीदते होंगे, तो ये भी, और इसने बोनस भी अभी दिया था, जैसा कि मैं यहाँ पर बताया मैंने आपको अभी कि 2017 में इसने बोनस भी दिया था। तो जो कंपनी बोनस देती हो, जो कंपनी हर साल डिविडेंड देती हो, जो कंपनी, तो उस प्रकार से उसमें आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसने बोनस दिया था 21 दिसंबर 2017 को 1 पे 1, यानी कि आपके पास 1 शेयर 2 हो गए, 100 शेयर 200 हो गए। तो ज़बरदस्त कंपनी है, और अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है, तो ज़रूर मैं तो कहूँगा कि आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, अगर आपको टायर सेक्टर में या टायर की कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, और हाँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।